बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तंसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई का तूफान है, आवाम का सांस घुट रहा है। दालें हों, फल हों, सब्जियां हों, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब जराइम की शरह में भी इजाफा होता जा रहा है। आवाम हुकूमत की तरफ देखते हुए दुहाइयां दे रहे हैं, इस पर बात होगी इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ शहराम खालिक। और मैं हूं अरुबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे हम अदालती कार्रवाई के साथ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अतमिनुल्लाह का अडयाला जेल का दौरा। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कैदियों और जेल अमले से मुलाकात की। अडयाला जेल में कैदियों का मुबैना तशद्दुद का केस अदालत आया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिनुल्लाह का अडयाला जेल का दौरा। चीफ जस्टिस अतमिनुल्लाह ने कैदियों और जेल अमले से मुलाकात की। अडयाला जेल में कैदियों पर मुबैना तशद्दुद का केस अदालत आया था। बात करते हैं साजिद शेख से। साजिद शेख, इस अहम दौरे से मुतालिक बताइए। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतमिनुल्लाह अडयाला जेल के दौरे पर पहुंच चुके हैं और ये उनका खसूसी दौरा है और कैदी पर तशद्दुद की दरख्वास्त पर जेल के दौरे पर पहुंचे हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल में मौजूद कैदियों और हवालातियों की तादाद और सहूलियात का जायजा भी लेंगे, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल से मुतलिक शिकायत और मुकदमात की समात और पेशियों का भी जायजा लेंगे। थोड़ा सा ये भी बता चलूँ कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल एजाज असगर जो है वो उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं और जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके साथ चार DIG ऑपरेशंस, दो सेशन जजेज और उसके अलावा इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, जो कि उनके साथ साथ अडयाला जेल का विजिट करेंगी और जो हवालाती और कैदी हैं उनके तासुरात जो हैं उनके बारे में भी जांचा जाएगा। जी सही, साजिद शेख आपका शुक्रिया। और सैलाब मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो कंबर की खैमा बस्ती में सहूलियात का फुकदान है। कंबर शहदाद कोर्ट में खैमा बस्ती में हीट स्ट्रोक से 3 साल बच्ची जाँ बहक, वर्सा ने लाश रोड पर रख कर ज़िले इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन का कहना था खैमा बस्ती में शदीद हब्स है, अद्वियात और गजाई किल्लत का भी सामना है। वज़ीर आला सिंध इस मामले का नोटिस लें। मजीद तफसीलात जानेंगे बाबर मेमन से। बाबर मेमन बताएगा वर्सा और मुजाहरीन क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। जी बिल्कुल, वर्सा और मुजाहरीन यही दाहियां दे रहे हैं कि वजीर आला सिंध का ये दौरा कंबर शहदाद कोर्ट भी जो है वो काम ना आ सका है, जबकि जिला इंतजामिया ने अहकाम जो है सहूलियात फुकदान के बाद अहकाम हवा में उड़ा दिए हैं, जबकि वगन रोड पर कायम खेमा बस्ती में हीट स्ट्रोक की वजह से 3 साल मासूम बच्ची जो है वो दम तोड़ गई है, जबकि वर्सा ने जिला इंतजामिया और सिंध हुकूमत की नाइली के खिलाफ कंबर वगन बाईपास रोड पर बच्ची की लाश रखकर जो एहतजाजी धरना दिया है और शदीद नारेबाजी करते हुए यही कहा है कि कंबर के डिप्टी कमिश्नर है जो मुतासरीन को कोई सहूलत मैसर नहीं कर रहे, ना ही वो रबते कर रहे, ना ही दौरा कर रहे हैं रिलीफ कैंपों का, जिसके बाद जो वजीर उन्होंने यही इल्जाम आयद किया है कि वजीर आला सिंध सिर्फ यहाँ दौरा करने के बाद फोटो सेशन करके जिला इंतजामिया को नाहली को हिदायत देकर गए थे, वापस चले गए, जबकि रिलीफ कैंपों में शदीद हबस, गर्मी, अदयात की कमी और गिजाई किल्लत और खेमा बस्ती में आहिस्ता आहिस्ता जो है बच्चे मरते जा रहे हैं, जिस पर जो है मुजाहरीन ने वजीर आला सिंध से जो है खसूसी जो है DDC कंबर शहदाद कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई करके हमें जो है सहूलियात फराम करके बचाया जाए और उनकी जानिब से यही अपील की जा रही है कि खुदारा सिंध हुकूमत इस जिले इंतजामिया की नाहली का नोटिस ले और हमें तमाम तर सहूलियात फराहम की जाए, जबकि ये कंबर डिप्टी कमिश्नर जो कोई सहूलत मैसर नहीं कर रहे हैं। जी एहतजाज जारी है, बाबर मेमन अपडेट करने का शुक्रिया। नाज़रीन, जामपुर में भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। मकानात मलबे का ढेर हैं, इलाज ना मिलने से वबाई अमराज में इजाफा होने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अमजद चतोई से। अमजद, बताएगा सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती शकरवानी में, जहाँ पर सैलाब उतरने के बाद लोगों के घरों को वापसी हुई है। वापसी पर इनका इस्तकबाल इनके मलियामेट घरों ने किया है। हमारे साथ इस बस्ती के फ़याज़ अहमद मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। इतना मच्छर हैं कि हमारा जीना हराम हो गया है। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट के साथ के खुदारा हमें कोई मेडिकल कैंप दें, हमें मच्छरदानियाँ दें, हमारे इलाके का विजिट करें। ये जो है ना शहर से काफ़ी दूर है, पसमानदा इलाका है हमारा, एक दूर दराज इलाका है। 92 न्यूज़ ने अपनी हमेशा रिवायत बरकरार रखी है, इस इलाके में भी पहुँचे हैं। ये जामपुर से 70-75 किलोमीटर एक दूर जनूब की तरफ ये इलाका वाक़ है। यहाँ के लोगों का एक ही मुतालबा है कि हुकूमत यहाँ मेडिकल कैंप
मुहैया करे। यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर अभी तक हुकूमती सतह पर कोई सर्वे भी शुरू नहीं किया गया, ना लोगों के पास यहाँ टेंट हैं, ना खाने को कुछ है। एक और मसला भी जो इस बस्ती में वो नज़र आया है, यहाँ का जो पानी है ज़ेर ज़मीन वो गंदा हो गया है, पीने के काबिल नहीं है। यहाँ के लोगों को पानी की भी शदीद मुश्किल का सामना है। हमारी मुखैर हजरात से, हुकूमत से भी अपील है कि इस बस्ती का रुख करें, यहाँ के लोगों को मच्छरदानियाँ दें, टेंट दें, इनको खाने के लिए कुछ मुहैया किया जाए और इनको साफ़ पानी दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। नाज़रीन, उधर बलूचिस्तान में सैलाब के बाद से अब तक निज़ाम ज़िंदगी बहाल न हो सका। मुतासरीन मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के साथ साथ बीमारियों से भी लड़ रहे हैं। मज़ीद 12 अमवात के बाद जाँबाह अफराद की तादाद 322 तक पहुँच चुकी है। रिपोर्ट करेंगे क्वेटा से फजल तवाब। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाबी सूरतेहाल के दौरान मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में मजीद 12 अमवात की तस्दीक हो गई, जिसके बाद जाँबहक अफराद की तादाद 322 तक जा पहुंची। PDMA की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाबी सूरतेहाल से 5 लाख से जायद मवेशी हलाक होने के साथ 65,000 घर मुकम्मल तबाह और 1,20,000 घरों को जुजवी नुकसान पहुँचा, जबकि 9 लाख एकड़ पर कड़ी फसलात और बागात तबाह हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरतेहाल से बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 103 डैम्स मुतासर हुए और मुख्तलिफ मकामात पर 22 पुलों को नुकसान पहुँचने के साथ 2,198 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ कौमी शराएं भी शदीद मुतासर हुई। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासरा अजला में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगी समेत दीगर वबाई अमराज ने भी संगीन शक्ल इख्तियार कर ली है। महकमे सेहत और काम के मुताबिक वबाई अमराज से अब तक 40,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर सैलाब से मुतासरा अजला में तिबी सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज, क्वेटा। नाज़रीन, पाक फ़ौज और दीगर इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन को कैंप्स में खुराक और मुफ्त भी इमदाद फराहम की जा रही है। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से फैसल रजा खान। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के जारी करदे ऐलामिये के मुताबिक सैलाब से मजमूई तौर पर 13,074 किलोमीटर शाहराहों और 392 पुलों को नुकसान पहुंचा। हेलीकॉप्टर्स की मदद से मजमूई तौर पर 4,659 अफराद को रेस्क्यू किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों में हेलीकॉप्टर की 4 परवाजों के जरिए 9.5 टन खुराक तकसीम की गई। मजमूई तौर पर सैलाब मुतासरीन को 10,000 टन खुराक फराहम की जा चुकी। मुल्क भर में कायम 300 मेडिकल कैंप्स में 5,65,000 से ज्यादा मरीजों को इलाज की सहूलत के साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। पाक फजाई भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बचाव की काविशों में पेश। पाक फजाई ने 6,415 खैमे, 5,20,271 फूड पैकेज तकसीम किए। पाक फजाई ने 3,377 टन राशन, 2,84,538 लीटर पीने का साफ पानी तकसीम किया। पाक फजाई ने कायम करदा 46 तिब्बी कैंप्स में 69,959 मरीजों का इलाज किया। और रहनुमा नून लीग इसहाक डार का 7 अक्टूबर से कबल पाकिस्तान आने का ऐलान। कहते हैं तारीख का हतमी फैसला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुशावरत में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका दौरे के बाद लंदन जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। इन प्रिंसिपल मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त, जैसे मैंने कहा कि हमने ये मूव की थी, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान मैंने जाना है। कायद मियां नवाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करके फिर जो फैसला होगा इंशाल्लाह वो उस पर अमल करेंगे। मेरा ख्याल है कि शायद मैं अगले हफ्ते के एंड पे ही चला जाऊँ, अगले हफ्ते के एंड तक चला जाऊँ। हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, रीजन्स को माना और हमें कहा जी ठीक है फिर हम इसको मुअत्तल करते हैं, लेकिन आप फिर 7 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लें। हमने खुद भी 2 हफ्ते कहा था, हमने को महीना वगैरह नहीं मांगा था। इसमें तो हम ऑब्लिगेटरी है कि वी हैव टू बी देयर, तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा जी। और प्लस मेरी सेनेट की रुकनियत की ओथ पेंडिंग है। और उधर इसहाक डार की वतन वापसी पर इमरान खान का भी रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने कहा कि मुजरिमों की अयाशियां हुई हुई हैं, चोरों की ईद हुई हुई है, अरबों रुपए के केसेस माफ करवाए जा रहे हैं। मुजरमों की अशिया हुई हुई है, चोरों की ईद हुई हुई है, करप्शन के केसेस सारे आहिस्ता आहिस्ता माफ हो रहे हैं। आए इसलिए थे ये चोर, आए इसलिए थे, मुल्क का तबाह कर दिया, मायशत तबाह कर दी, लेकिन इनके केसेस अब सारे छुट रहे हैं, अरबों रुपए की
अभी कह रहे हैं नवाज शरीफ भी आ रहे हैं वापस। और पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि मसाइल को संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं, ये सिर्फ अपने करप्शन केसेस खत्म कराने में लगे हैं। महंगाई की शरह 45% तक जा पहुंची है। अवाम में बिजली के बिल अदा करने की ताकत नहीं रही, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज मुल्क के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में एहतजाज करेंगे। इस हुकूमत के बस की बात नहीं है इन मसाइल को संभालना। सारी इस वक्त तवज्जो क्या है इस हुकूमत की कि अपने करप्शन के केसेस खत्म करा के कैसे अपनी जान छुड़ाएं। तो जरूरी अशिया की अफराते जर्ब इनको 16% पर मिली थी जो ज्यादा थी, और पूरी कोशिश की जा रही थी कि उसको कम किया जाए। वो 16% को बढ़ाकर ये 45% पर लेके पहुंच गए हैं। बिजली के बिल जो होशरुबा बिजली के बिल आए हैं, और एक मुतवस्सित घर के अंदर भी वो बिल अदा करना जो है वो नामुमकिन हो रहा है। जिस तरीके से खाने पीने की अशिया की चीजों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, ये पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। असद उमर की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया, आगे बढ़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मौआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। सबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का तंजिया ट्वीट, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क जाने वालों ने महंगे कमरों में ठहर कर इमदाद मांगी। जितनी शाह खर्ची अमरीका में की गई है उतनी मदद नहीं मिली। शेख रशीद ने मजीद लिखा कि नैब कवानीन में मन मानी तरामीम अपनी ज़ात के लिए की गई। फर्द जुर्म वाले दिन शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया, हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं दादरसी के लिए आ रहे। गोलियां और ड्रोन अवाम का रास्ता नहीं रोक सकते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। और ख़बर यह भी है कि जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंध में प्रोफेसर की जानिब से तालिबा को मुबैना हिरासा करने का वाकया। तलबा ने मुतालिका प्रोफेसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई न होने पर मरकजी सड़क ब्लॉक कर दी। तलबा ने मुतालबा किया कि प्रोफेसर को मुअत्तल करके फौरी कार्रवाई की जाए। वीसी प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन के मुताबिक मुतालिका प्रोफेसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी करवा रहे हैं। आपको तलबा की जानिब से किया जाने वाला एहतजाज भी दिखा रहे हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की 77वें सालाना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई नहीं समझ सकता कि हम किस दर्दनाक वक्त से गुजर रहे हैं। 40 दिन और 40 रातों तक ऐसा सैलाब आया जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। उन्होंने आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को भी उजागर किया और भारत समेत दुनिया में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यूएन जनरल असम्बली के 77वें सालाना इजलास से खिताब, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से दुनिया को आगाह किया, मसला कश्मीर के फौरी हल पर जोर दिया, मकबूजा वादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी की मजम्मत की, भारत को मुज़ाकरात की दावत दी, खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल के हल में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली से तबाही ने मुल्क का एक तिहाई हिस्सा ज़ेरे आब कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब से 3,30,00,000 लोग मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान में तबाही यहाँ के लोगों की से नहीं हुई। The scale and magnitude of this climate catastrophe that has pushed 1/3 of my country under water in a super storm that no one has seen in one's living memory. Huge swaths of the country are still under water, submerged in an ocean of human suffering. In this ground zero of climate change, 33 million people including women and children are now at high risk from health hazards. 650,000 women giving birth in makeshift tarpaulins. More than 1500 of my people have been gone from this world in this great flood, including over 400 children. Far more are in peril from disease and malnutrition. मकबूजा कश्मीर की अब तक सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी और एकतरफा इकदाम से अमन अमल मुतासर हुआ है। मकबूजा कश्मीर में मावराय अदालत कत्ल किया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed
regional tensions, India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. دہشتگردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کے کردار پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے عوام کی مدد سے دہشتگردوں کی کمر توڑی پاکستان نے عالمی امن کے لیے قربانی دی ہے پاکستان strongly condemns terrorism in all its forms and shades and manifestations. Terrorism does not have a religion. It is based on dogma, fueled by poverty, unemployment, deprivation, injustice, and ignorance. Pakistan is the principal victim of terrorism. Over the last two decades, we have suffered more than 80,000 casualties and over $150 billion in economic losses due to terrorist attack. Our armed forces, with the support of our people, mothers, traders, students, teachers, engineers, doctors, have broken the back of terrorism. اسلاموفوبیا پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مسلمان دنیا سے سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں ہندو انتہا پسند مذہبی تعصب کی بنیاد پر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اسلاموفوبیا is a global phenomenon. Since 9/11, suspicion and fear of Muslims and discrimination against them have escalated to epidemic proportions. The officially sponsored campaign of oppression against India's over 200 million Muslims is the worst manifestation of Islamophobia. Hijab bans, attacks on mosques, and lynchings by Hindu mobs. I am particularly concerned by the calls for genocide against India's Muslims by some extremist groups. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ 650 عورتوں نے سیلاب میں بچوں کو جنم دیا اور ابتدائی اندازے کے مطابق 4 ملین ایکڑ فصل تباہ ہوئی عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے ایسے اثرات پاکستان نے کبھی نہیں دیکھے پاکستانی عوام انصاف چاہتی ہے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے مشہور سٹیج اداکاروں نے مشرق لندن کے علاقے رمفورڈ میں سٹیج ڈراما کھٹے میٹھے کریلے پیش کیا جس کو دیکھنے کے لیے شائقین کی کثیر تعداد ہال میں موجود تھی فنکاروں کے دلچسپ جملوں اور جگتوں نے شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی ڈرامے کے اختتام پر سلام زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی گئی جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے مشرق لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ مشہور کامیڈین شہزادہ غفار مٹھو سلیم البیلا آغا ماجد شہزاد پپو سردار کمال زارا اکبر اور ہیر نے سٹیج ڈراما کھٹے میٹھے کریلے پیش کیا جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کثیر تعداد ہال میں موجود تھی شائقین نے فنکاروں کے دلچسپ جملوں اور جگتوں پر ان کو دل کھول کر داد دی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فنکاروں کا کہنا تھا کہ دیار غیر میں آ کر ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی اب بھی اپنی ثقافت سے پیار کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ڈرامے پیش کیے جائیں جن کو تمام لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں ہمارے ڈراموں کا معیار پڑوسی ممالک سے کافی زیادہ بہتر ہے خطہ پٹھوار کا ڈرامہ اسی لیے کامیاب ہوتا ہے ان کی اپنی ثقافت ہوتی ہے ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے اس میں ہم ڈرامہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس لیے شاید اس کی کامیابی کا راز یہی ہے میں تو جب بھی یو کے میں آیا ہوں مجھے کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں لاہور میں کام کر رہا ہوں یا میں یو کے میں بڑی لوگ محبت کرتے ہیں بڑا لو کرتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ تو صرف اپنی کمیونٹی سے ایک ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو لے کے آئے ہیں ہمیں لائیو یہاں پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں فیملی کو آنا چاہیے ہم تو آتے ہی فیملی کے لیے کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ تھیٹر شیٹر یہاں نہیں دیکھ سکتی وہ آئیں تھوڑی دیر جو ہم کام کریں گے کوشش کریں گے کہ وہ خوش ہو کے جائیں ہمارے جتنے بھی پاکستانی آرٹسٹ ہیں ہمارا کام ہے ان کو پروموٹ کرنا پاکستان سے یہاں آتے ہیں شو کے لیے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تو ہمارا یہ کام ہے ان کو پروموٹ کرنا ہماری پبلک بھی کافی ہیپی ہوتی ہے کیونکہ پاکستان کے آرٹسٹ آئیں ان کو دیکھیں ایک ہمارا کلچر ہے نا پنجابی جو کلچر ہے تو ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں اصل میں یہاں پہ جتنے بھی ڈرامے آتے ہیں پاکستان سے یہ تقریباً فیملی ڈرامے ہوتے ہیں اور ہمارے جو جہاں پہ جو آڈینس رہتی ہے
इसे चाहिए कि इनको सपोर्ट किया करें और हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि हम पाकिस्तान में हैं, अपने प्यारों में बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे खेत पटवार के जहाँ भी हमने शो किए हैं, हमें फैमिलीज मिली हैं, हमें अपना प्यार मिले, अपनी मट्टी मिली है, और लोग यहाँ पे हमें जो है ना बहुत लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, खासतौर फैमिलीज यहाँ पे बहुत सारी आई हैं और बड़ा अच्छा फैमिली प्ले हुआ है। मेहनत से यहाँ पे जो ड्रामा लेके आते हैं, हमें चाहिए कि फैमिलीज को लेके आए, उनको सपोर्ट करें कि वो हमारे लिए इतनी दूर से एक ड्रामा अरेंज कर रहे हैं, कॉमेडी शो अरेंज कर रहे हैं, तो फैमिलीज को आके देखना चाहिए, बिल्कुल फैमिली शो था। ड्रामे के आखिर में फनकारों की अपील पर सैलाब जदगान के लिए फंड रेजिंग की गई, जिसमें मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। स्टेज ड्रामे के ऑर्गेनाइजर जुबैर आलम, जी अली और दीगर का कहना था कि हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सकाफत को ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने पेश करें, हमें खुशी है कि हमारे ड्रामे कम्युनिटी में बहुत पसंद किए जाते हैं। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज, लंदन। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में जम्मू से ताल्लुक रखने वाले कश्मीरी गुलूकार यासिर हुसैन ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। म्यूजिकल प्रोग्राम में मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नौजवान फनकार के कलाम को सराहा। खबर आशा की रिपोर्ट। बर्मिंघम के मकामी हॉल में कश्मीरी नौजवान ने इलाकाई और सुफियाना कलाम पेश किया। प्रोग्राम में शरीक लोग कलाम से खूब लुत्फानंदोज होते रहे। किसी ने भंगड़े डाले तो कोई तालियों की सूरत दाद देता दिखाई दिया। नौजवान के परफॉर्मेंस से पूरा हॉल झूमता रहा और हाजरीन की भी बड़ी तादाद प्रोग्राम में मौजूद थी, जिन्होंने कश्मीरी नौजवान की शानदार परफॉर्मेंस को खूब सराहा। इलाकाई कल्चर से वाबस्ता प्रोग्राम को हाजरीन ने बेहद पसंद करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया और नौजवान सिंगर के अंदाज़े गायकी की बहुत तारीफ की। बेस्ट शो, वन ऑफ द बेस्ट शो, रियली एंजॉयड इट, वाज अ फैमिली शो, पंजाबी फोक टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, वेरी लवली शो, रियली एंजॉयड इट, गॉड ब्लेस हिम, वेरी नाइस, ही रियली एंजॉयड, वेरी एसी एंजॉयड इट, फुल 100%, एब्सोल्युटली अ जेम, है ना, एंड आई होप ही succeeds in life. Really enjoyed the show. Fantastic. I thought it was good as well. I enjoyed it. My Punjabi is not very good, so yeah, I enjoyed it. It put a modern twist on Punjabi folklore, so that was quite nice. Tonight's show was really good, and obviously Yasir Hussain is amazing. I really, really love his songs, and the best bit he does is so natural. He doesn't really, you know, follow any taal or anything. He makes his own taal, so that was really good. It was really good. We really enjoyed it. It's really nice to see Yasir Hussain here in Birmingham today. It's so nice to hear the old traditional folk songs, what we as youngsters, our children, are missing out on. But he's bringing the kick back into the old folk songs, which is a really good thing. And the part of tradition what us British Asians are losing, it's been quite overwhelming to have him here. बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैं ये इंडिया से आई हूँ इनका शो देखने के लिए। बड़ी मुश्किल टिकट भी नहीं मिल रही थी क्योंकि बिजी बहुत था, तो मैं कहीं जाना है। बहुत अच्छा लगा उनसे, उनका प्रोग्राम देख के, उनको मिल के, सो नाइस। मौसीकी को वैसे तो रूह की ग़िज़ा माना जाता है और अगर साथ इलाकाई और सुफियाना कलाम सुनने को मिल जाए तो माहौल मजीद खुशगवार हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के दौरान पीटीआई कारकुनों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पीटीआई कारकुन तकरीर शुरू होने से पहले ही काफिले की शक्ल में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर पहुँच गए। शुरका ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे। मज़ीद तफ़सीलात वाशिंगटन से खुर्रम शहज़ाद की रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। इस दौरान पीटीआई अमरीका के कारकुनान ने अक़वामे मुत्तहिदा की बिल्डिंग के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कारकुनों ने बैनर्स वगैरह उठा रखे थे। पीटीआई अमरीका के सदर मुनीर खटियाना ने इस सिलसिले में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, शिकागो और दीगर रियासतों से पीटीआई कारकुनान को अक़वामे मुत्तहिदा की बिल्डिंग के बाहर पहुँचने और एहतजाज में शिरकत करने की हदायत जारी की थी। पीटीआई वाशिंगटन डीसी के सदर जानी बशीर की क्यादत में वाशिंगटन डीसी
वर्जीनिया और मैरीलैंड से कारकुनान की दो बसें न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुईं, जिनमें खवातीन कारकुनान भी शामिल थीं। जानी बशीर का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक अवामी लीडर को जबरदस्ती हटाकर नाजायज तरीके से हुकूमत पर मुसल्लत किया गया। अक्वामे मुत्तहिदा की बिल्डिंग के 6 ब्लॉक हैं, जहां आने जाने के लिए सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। एहतजाज के लिए बिल्डिंग के बाहर जगह मुख्तिस है और पीटीआई कारकुनान ने वहां ही एहतजाज किया। एहतजाज करने वालों में खवातीन और नौजवान भी शामिल थे। कुरम शहजाद, 92 न्यूज, वाशिंगटन DC। सऊदी अरब के 92वें यौमुल वतनी को सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया है। इस हवाले से एक वकार तकरीब भी सजाई गई, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी ने शिरकत की। मेहमान हैं खसूसी काउंसिल जनरल जद्दा खालिद मजीद और OIC में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद थे। अदील रियाज रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सऊदी कौमी दिन पाकिस्तान कौमी यकजहती फोरम के प्लेटफॉर्म से मनाया। इस मौके पर सऊदी ब्रिगेडियर मोहम्मद हसन कामली और जनरल रिटायर्ड हसन मोहम्मद मालिकी ने खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी खुशी में हमारे साथ शामिल हुए। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में पाकिस्तानी भाइयों का अहम किरदार रहा है। पाकिस्तान की आर्मी, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और दीगर शोबा जात के माहिर अफराद हमारे लिए बायस फख्र हैं। OIC में पाकिस्तानी मंदूब रिजवान सईद और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने सऊदी भाइयों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। दोनों बरादर ममालिक के दरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता एक जिस्म के अंदर दो दिलों के मानिंद है। हम सऊदी हुकूमत के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा की तरह इस बार भी सैलाब जैसी आफत के मौके पर भरपूर साथ दिया। To Khatme Harmain Sharifain, King Salman bin Abdul Aziz, Al Saud, the Crown Prince Mohammed bin Salman, all the Saudi government officials and Saudi brothers and sisters on the 92nd National Day of Saudi Arabia. तकरीब से कन्वीनियर कौमी यकजहती फोरम सैयद रियाज बुखारी और दीगर ने खिताब करते हुए शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की खिदमात का एतराफ़ किया और उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तकरीब में पाकिस्तानी और सऊदी कौमी मिल्ली नगमे गाए गए, जबकि हाफिज इरफान ने मियां मोहम्मद बख्श का आरिफाना कलाम पढ़कर तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इख्तिताम पर सब ने मिलकर यौमुल वतनी का केक काटा। अदील रियाज, नुमाइंदा 92 न्यूज, जद्दा। सऊदी अरब में मुतइन पाकिस्तान के सफीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर सऊदी क़यादत और आवाम को ढेरों मुबारकबाद पेश की। कहा, दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ तआवुन को जारी रखेंगे। सऊदी दारुल्हुकूमत रियाद में सफारतखाना पाकिस्तान से जारी वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी सफीर अमीर खुर्रम राठौड़ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी अवाम को मुबारकबाद पेश की। कहा, पूरी पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब की खुशियों में बराबर की शरीक है और दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। दीगर तमाम शोबों में भी तआवुन बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानी मुमलिकत की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहे हैं।